Hey foodies, welcome back to the Cuisine Creator. I hope कि आप सब अच्छे होंगे and safe होंगे. तो आज हम लोग एक simple सा easy सा hot dog की recipe बनाएंगे. एकदम देसी style में बनाएंगे and taste में कोई compromise नहीं होगा. एकदम tasty tasty and delicious बनेगा. आप सभी को बहुत पसंद आएगा. तो चलो बिना time waste करें बनाना start करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। पहले हम स्टफिंग बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 से 4 कली लहसुन एंड 1 छोटा टुकड़ा अदरक डाल देंगे। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे जिससे उसका रॉ स्मेल जो है वो निकल जाए। अब हम इसमें 2 मीडियम कटे हुए प्याज डाल देंगे एंड इसको भी तब तक भूनेंगे जब तक प्याज जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर, 1/4 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च एंड 1/4 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल देंगे। अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे एंड 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे एंड 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब ये सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे। इस टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो में ही रखेंगे, नहीं तो मसाला हमारा नीचे से जल सकता है। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू लिए थे मैश करके वो डाल देंगे एंड 1/2 कप ग्रेटेड पनीर है वो डाल देंगे। अब ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। आप इसमें कोई सा भी सब्जी ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी है, ग्रीन मटर है, जो अवेलेबल है वो डाल दो। बस एक बात का ध्यान रखना है, सब्जियों को हमें पूरा नहीं पकाना है, उसमें थोड़ा क्रंच रहना चाहिए जिससे वो खाने में अच्छा लगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे एंड 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे। अब ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। लेमन जूस की वजह से एक जो खट्टा सा एक टैंगी सा फ्लेवर आता है ना, एकदम चटपटा, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, तो उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ये सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है, स्टफिंग हमारा बन गया है। अब जो हॉट डॉग का बन है उसको हम ऐसे बीच में से काट लेंगे स्टफिंग डालने के लिए। अगर आपको घर में ये हॉट डॉग का बन कैसे बनाना है जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब हम इसमें अच्छे से मेयोनीज लगा लेंगे। अगर आपको घर में मेयोनीज कैसे बनाना है वो रेसिपी देखनी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे जो स्टफिंग हमने पहले बना के रखे थे वो स्टफिंग यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे, एकदम भर भर के स्टफिंग डालेंगे। अब यहाँ पे स्टफिंग तो हमने डाल दिया है, अब इसमें मैं ये वीवा का स्वीट ओनियन सॉस डाली हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें नहीं तो नहीं डालें। अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे, यहाँ पे मैं प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, एकदम अच्छे से चीज़ डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे एंड इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जिससे उसके ऊपर जो चीज़ हमने डाले हैं वो मेल्ट हो जाए। आप ओवन का भी यूज़ कर सकते हो या फिर तवे पे भी गर्म कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको ओवन में गर्म कर लिया है, आप चाहे तो इसको तवे पे थोड़ा सा बटर लगा के सेक सकते हो। अब हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे एंड थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस डालेंगे। अब यहाँ पर हमारा टेस्टी टेस्टी डिलीशियस सी देसी स्टाइल हॉट डॉग बन के रेडी है। आप इसको एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, आई एम श्योर कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।